वेलकम टू द पाकिस्तानी ब्रोज रिएक्शंस। तो कैसे हैं आप सब, उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाले अच्छी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलते रहे। मेरा नाम वजाहत है, मैं हूं बशीर। सो गाइस, आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो वीडियो का जो टाइटल है वो डायरेक्ट बताऊंगा, डीआरडीओ के बिग न्यूज ऑन डीआरडीओ आई स्टार। मतलब ये कोई आई स्टार डीआरडीओ का ही कुछ मतलब है, तो उसके बारे में ये वीडियो है, हिंदी नॉलेज शो का वीडियो है। इनका ओरिजिनल लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, इनको लाजमी सपोर्ट करना। देखते हैं मतलब डीआरडीओ ने अभी क्या मतलब बिग न्यूज आ रही है। पहले वीडियो देखेंगे तब सही आइडिया होगा, क्योंकि रोज बरोज डीआरडीओ कुछ ना कुछ मास्क। एग्जैक्टली, तो देखते हैं यार, काउंट ऑन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, डीआरडीओ के एक बहुत ही ज्यादा बड़े और बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हथियार के बारे में खबर निकलकर सामने आई है। अच्छा, और जितना बड़ा ये हथियार है उतना ही ज्यादा भारत के लिए इसे जरूरी माना जा रहा था, और ये प्रोजेक्ट काफी समय से डिले भी हो रहा था, लेकिन आखिरकार डीआरडीओ ने इस पर बड़ा अपडेट दिया है, और साथ ही एयरफोर्स की तरफ से भी एक अपडेट आया है इस हथियार पर। तो इस वीडियो में मैं आपको इस हथियार के बारे में बताऊंगा, इसकी स्पेसिफिकेशन बताऊंगा, साथ ही जो खबर निकलकर सामने आई है वो भी इसके बारे में आपको बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले इस हथियार का नाम है डीआरडीओ आई स्टार, और इसे भारत के लिए बेहद ही ज्यादा जरूरी हथियार माना जा रहा था, खास करके तब से जब से गलवान घाटी की हिंसा हुई थी और चीन और भारत के बीच में तनाव बढ़ा था, और तभी से डीआरडीओ भी इसके बहुत तेजी से बनाने के प्रयासों में जुट गया था। हालांकि आप कहेंगे कि अब तो दोनों देशों के बीच तनाव नहीं है, सैनिक भी पीछे हट चुके हैं। तो देखिए, भारत की तैयारी भविष्य के लिए है, क्योंकि चीन का कोई भरोसा नहीं है, आज हटा है अगले 2-4 महीनों बाद फिर आ जाए, तो इसलिए भारत यहां पर इस बार पूरी तैयारी रखना चाहता है। तो इस हथियार के स्पेसिफिकेशन में करता क्या है वो जान लेते हैं। तो इस हथियार का मेन काम है रिकॉग्निशंस, और बहुत ही ज्यादा अत्याधुनिक तरीके से बहुत ही क्लियर इमेजेस ग्राउंड स्टेशन तक भेजना, साथ ही दुश्मन की सटीक लोकेशन, उसकी मूवमेंट का पता लगाना, क्योंकि युद्ध में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है कि युद्ध का पता लगाना। और वो कैसे पता लगता है? दुश्मन की मूवमेंट से। अगर आप उनकी रेजिमेंट के, उनके टैंकों की मूवमेंट सही तरीके से पता लगा लेते हैं, तो फिर आपको अंदाजा हो जाएगा कि युद्ध इतने दिन में शुरू हो सकता है, तो आप अपनी तैयारियां उसी हिसाब से शुरू कर सकते हैं। आप कहेंगे कि इसके लिए सैटेलाइट भी है, तो देखिए सैटेलाइट जो बहुत ही स्लो मूवमेंट होती है, जैसे कि किसी रेजिमेंट की मूवमेंट हो रही है, पूरी टैंकों की फ्लीट की मूवमेंट हो रही है, वो काफी स्लो मानी जाती है। सैटेलाइट इतनी स्लो मूवमेंट को पकड़ने में काफी समय लेता है, जो प्रोसेसिंग टाइम है वो काफी ज्यादा हो जाता है। और दूसरा जो मेन सबसे फीचर इसका होगा वो है लाइव डाटा शेयरिंग। ये बिल्कुल लाइव डाटा को पहुंचा सकेगा सीधे लड़ाकू विमानों तक, जिससे कि वरना क्या होता है, सैटेलाइट पहले कैप्चर करती है, वो ग्राउंड स्टेशन भेजती है, फिर ग्राउंड स्टेशन से सीधा जाता है लड़ाकू विमानों तक, ऐसे में काफी लंबा समय लगता है, तो उसे घटा देगा। दूसरा, जैसे जैसे लड़ाकू विमानों को भेज रहा है, ग्राउंड स्टेशन को भी साथ साथ भेज सकेगा लाइव डाटा। कैसे? ये मतलब कि जो बिल्कुल लाइव अच्छी क्वालिटी की पिक्चर्स होंगी उन्हें सीधा सैटेलाइट भेजेगा, सैटेलाइट से सीधा जाएगा ग्राउंड स्टेशन तक, कहीं पर भी बिल्कुल सिक्योर लिंक के साथ। ऐसे में हमारे जो जमीन पर कमांडर्स हैं और जो हवा में पायलट हैं, दोनों को एक साथ डाटा मिल सकेगा, और जो कार्रवाई है वो बहुत तेजी से की जा सकेगी। वरना क्या होता है कि जो सैटेलाइट ने इमेज कैप्चर की वो पहुंची सीधी जमीन पर ग्राउंड स्टेशन में, वहां से पहुंची लड़ाकू विमान तक, फिर उसके बाद कमांडर्स थोड़ा समय लेंगे सोचने में कि हमें क्या कार्रवाई करनी चाहिए, किस तरीके से अटैक करना चाहिए, फिर वो पायलट को बताएंगे, फिर पायलट क्या करेगा वो भी देखेगा, पहले असेसमेंट करेगा जो इमेज आई है सैटेलाइट की कि जी कैसे कैसे कहां से अटैक करना है। वहीं जो हमारा ये आई स्टार होगा, ये दोनों को एक साथ भेज देगा, तो इतना पायलट असेसमेंट करेगा सिचुएशन का, इतना कमांडर भी सोच कर बता देंगे जी आप ऐसे अटैक कीजिए, तो इसमें बहुत ही कम समय लगने वाला है, ये इसकी खासियत होगी। तो अब इस पर खबर क्या निकल कर सामने आई है? खबर ये कि देखिए, जो ये स्टार होगा ना, इसके अंदर जितने भी टेक्निकल रडार्स होंगे, इसके अलावा जितने भी तरह की टेक्निकल चीजें इस्तेमाल होंगी, वो डीआरडीओ देगा, और जो एक प्लेन है वो एयरफोर्स देगी। तो एयरफोर्स ने इसके लिए एक प्लेन को चुनने की प्रक्रिया है वो स्टार्ट कर दी है। इसमें कई सारे प्लेन है, एयरबस के भी है, एम्ब्रेयर का भी है, इसके अलावा गल्फ स्ट्रीम है, काफी है, इनमें से किसी एक को चुना जाएगा, वो डीआरडीओ को दिया जाएगा। डीआरडीओ इसमें जो अपनी टेक्निकल चीजें वो लगाएगी, रडार्स लगाएगी, जिससे कि ये काम करना जल्द ही शुरू कर सके। तो एक अच्छा अपडेट था कि इसे बनाने को लेकर काफी एडवांस स्टेज में ये पहुंच गया है। आपका क्या मानना है इस हथियार के बारे में, कमेंट करके जरूर बताएगा, साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। इसी के साथ ये वीडियो खत्म। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो यार एक बात करूं, ये मतलब उस लिहाज से काफी
एक न्यू किस्म की टेक्नोलॉजी है। पहले तो अवैक्स को मैंने सुना था, अवैक्स वो यार वो मतलब बहुत बड़ा प्लान है, ठीक है, ये थोड़ा छोटा होगा और मतलब ये जासूसी क्लियर, बहुत ही ज्यादा क्लियर पिक्चर एग्जैक्टली, एक किस्म का जासूसी के लिए यूज ये लोग कर सकते हैं। अच्छा, तो मतलब गलवान घाटी से मतलब जब उसके बाद मतलब इंडिया ने काफी सीखा है, बहुत कुछ सीखा है, मतलब इंडिया ने पहले सोचा था कि यार मतलब हमारा मतलब दुश्मन है पाकिस्तान, और बाकी यार हमारी पावर मतलब उस तरह की नहीं है, मतलब जितना था इंडिया के पास काफी था, मतलब एक कंट्री के लिए। हाँ, तो लेकिन फिर आया चाइना निकल के, तो चाइना बहुत ज्यादा पावरफुल है, तो इंडिया ने उस लिहाज से अपने आप को इतना अभी पावरफुल कर रहा है कि मतलब जितना मतलब इंडिया जितना कितने सालों में होना चाहिए पावर वो उसमें अंदर ला रहा है। और ये जो है अब देगा, ये एयरफोर्स देगा प्लेन, ठीक है, और जो सारी टेक्नोलॉजी यूज करेगी यूज लगेगी जो मतलब उस प्लेन को रिडार्स में उनके नजर ना आने दें, और बकाया और सारी टेक्नोलॉजी पिक्स वगैरह की और सारा डेटा वगैरह की वो लगाएगा डीआरडीओ, और ये एक किस्म का पूरा बन जाएगा एयरफोर्स देगी प्लेन। और ये मुझे काफी अच्छा प्रोजेक्ट लगा है। हाँ, मतलब आई स्टार नाम है इसका, मतलब फर्स्ट टाइम मैंने इस तरह का देखा है, मतलब छोटा सा और बिल्कुल साफ किस्म की क्लियर पिक्चर्स होगा, और ये जो मतलब ये साथ मेरे ख्याल में साथ जेट्स जो होंगे उनके साथ जाएगा, एग्जैक्टली, तो उनको लोकेशंस देगा, वो उधर आके मतलब कुछ भी कर सकते हैं। वही ना, उनको क्योंकि साफ लोकेशन साफ पिक्चर्स मिल जाएंगी, उनको पता लग जाएगा इधर क्या है, कितने ठिकाने हैं, क्या हिसाब किताब है, सब कुछ, तो इजिली मतलब काफी इजी हो जाएगा हिट करना उस चीज जगह को, बहुत इजी हो जाएगा। और यार कसम से अगर ये इंडिया बना लेता है इसमें कामयाब हो जाता है, जहरी बात अब कामयाब तो हो ही जाएगा, सब कुछ ओके है, सब कुछ स्टार्ट हो, तो ये एक्सपोर्ट एक काफी बड़ी मात्रा में कर सकेगा, काफी कंट्री कर सकता है बिल्कुल, क्योंकि ये चीज सस्ते में बनाते हैं, ठीक, और महंगा बेच सकते हैं। हाँ, महंगा तो बेचेंगे, बेच सकते हैं, लेकिन बकाया एशिया में अगर देखा जाए ना तो चाइना भी वेपन्स भेजता है, लेकिन उसके वेपन्स पे यकीन बहुत कम किया जाता है, जानी क्या पता है एक गोली चले अगली गोली मोड़ के लग जाए, कोई भरोसा नहीं है बिल्कुल, क्योंकि हम जो भी कोई भी चाइनीज मोबाइल लो ना तो पूरा एक साल चलता है, उसके बाद अपना और आगे दिखाता है यार, देखा एक साल सही चलेगा जहाँ गारंटी पूरी करता है हमारी, और ये आप लोगों को भी बात पता होगी, क्योंकि एक साल चलता है उसके बाद हैंग होता है, कभी बीच में छह महीनों में भी हैंग होने लगता है, होते हैं भाई, इतने खराब हो जाते हैं, तो इससे क्वालिटी का पता लग जाता है। सो गाइस, आप इसके बारे में क्या कहते हैं, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में दें, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना इस चैनल को मत भूलिएगा, और इंस्टा पे मामे दोनों को मस्ट फॉलो कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत बहुत ज्यादा ख्याल रखना, तो यार बाय।